पर ज्यादा नहीं, थोड़ा 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 करते हैं। ये क्या हो गया? बट कल जो ब्लॉग है, नेक्स्ट ब्लॉग जो आएगा, उसमें सिर्फ सिर्फ गुंजन ही दिखेगी, बस इतना था कि सिर्फ गुंजन ही दिखेगी और कुछ नहीं। हम इतना कुछ खाने के बाद बोल रही है कि दीदी हमको कुछ नहीं खिलाई है मम्मी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद निशा। तो बस अभी मैं निकल रही हूँ, और आज कहाँ जा रहे हैं हम लोग, फर्स्ट टाइम पिंकेस्ट ट्रेन में जाएगी, उसका जी एग्जाम है। मैं ले लूंगी बैग, भारी है, मैं दिखा रही हूँ कि मैं जा रही हूँ। तो वो उसका जी एग्जाम है, जो उसका एक पेपर बैग चला गया था, तो वो वाला उसका एग्जाम है, तो उसको बस मैं दिलाने लेके जा रही हूँ। और मेरा लिपस्टिक खत्म हो गया है, इसको ईल खोज रहे थे तब से, इसका हाँ ईल निकालने से भी नहीं निकल रहा है। बहुत मस्त लिपस्टिक है वाला, न्यूट कलर एकदम इसका, बस इसको ऑर्डर करना है। आज मेरे लिए ट्यूशन पढ़ा के जल्दी रेडी हुई है, और दीदी सुबह से पढ़ा रही है, अभी तुरंत छह बजे से पढ़ा रही है। तो बस अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए, मैं रेगुलर ही पढ़ाती हूँ, कोई नया बात नहीं है। जल्दी जाना पड़ेगा ना दीदी को, नाश्ता आज नाश्ता, हाँ हाँ पढ़ाते किया नहीं पता। तो बस अभी मैं निकल रही हूँ, रेडी हो गई हूँ, रेडी हो रही हूँ, हुई नहीं हूँ, थोड़ा पाउडर क्रीम लगाना है, बस होकर रेडी होकर फिर मैं निकलती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और पता नहीं व्लॉगिंग कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि मुझे इसको संभालना है, पर आज व्लॉगिंग करना पड़ेगा, मेरे इंस्टाग्राम के लिए शॉर्ट्स लेना पड़ेगा। ओके ओके ठीक है, तो बस निकलते हैं, फिर मैं निकल चुकी हूँ, और यहाँ पे पिंकी आ रही है। यहाँ पर मैं और पिंकी निकल चुके हैं, और टोटो बहुत हिल रहा है, बहुत ज्यादा ही हिल रहा है। यहाँ पे मैं और पिंकी हम निकल चुके हैं, चलते हैं स्टेशन, ट्रेन में इसको चढ़ाते हैं, सबसे मेन टास्क करते यही है। मैं एक्साइटेड टू, बट इतना सा डर लग रहा है, क्योंकि वो ट्रेन का गैपिंग प्लेटफॉर्म से बहुत ज्यादा हो गया ना। वैसे मेरा पूरा सफर तय किया इस कमजोर बच्चा के साथ ही, मुझे विश्वास है कमजोर बच्चा मेरे को आज मतलब अच्छे से चढ़ा देगी। कमजोर बच्चा ही हर चीज किया है, ये नहीं हाँ, मतलब जो भी मैंने फर्स्ट टाइम किया है ना, एग्जाम देने से लेकर सब कुछ मैंने मतलब दीदी के बोलने पे ही फर्स्ट टाइम मतलब स्टार्ट किया। भले उस वक्त गुस्सा करती हूँ मैं दीदी पे, बट मैं करती हूँ गुस्सा, बहुत गुस्सा। बस चलते हैं लेकर चलते हैं। तो फाइनली पिंकी यहाँ पे ट्रेन में चढ़ चुकी है, और थोड़ा नहीं दिक्कत नहीं हुआ, और एक अंकल मिले थे हम लोग को, मतलब उन्होंने उनका रिसेंटली परसों उनके भाई का सेम कंडीशन, पैर मतलब एम्प्यूट करना पड़ा है, वो मतलब इलेक्ट्रिक शॉक लग के ऐसा हुआ है। तो उन्होंने मेरा नंबर लिया कि आप बात करके हिम्मत देना, एंड मैंने उनको नंबर दिया, यार मैं इन चीज़ों में एकदम आगे होना चाहती हूँ, लेकिन होता ना कि यार मैं एम सिचुएशन समझ सकती थी कि आप डर से गुजर रहे होंगे। बस मैंने उनको अपना नंबर दिया, एंड आई होप वो जल्दी से ठीक हो जाए, बस ठीक हो जाए, हिम्मत मिले, और किसी को और क्या चाहिए हमें। इसको लेके उतर चुके हैं, मेरा व्लॉग यही होगा कि लेके चढ़ गए लेके उतर गए, क्योंकि इसको पकड़ना सबसे बड़ा टास्क है। yes, तो बस और ना मैं जो ट्रेन से उतर रही थी ना, फिर बैस बैलेंस थोड़ा सा बैलेंस हो गया, मैं डर गई थी, पर वो सामने आंटी थी, वो लोग बहुत हेल्प की, वो लोग सबको, बस सारा थोड़ा खाली हो जाए उसके बाद मैं इसको लेकर जाऊँ। बहुत भीड़ है, बंपर वाला भीड़ है। इसको हम पढ़ने दिए हैं, बट ये पढ़ नहीं रही है, दिखाओ मत क्या। तो यहाँ पर बस बैठकर वेटिंग पीरियड चल रहा है, क्योंकि पिंकी एग्जाम देने गई है, और अभी भी एक घंटा वेट करना है, 3 बज रहा है, तो अभी भी एक घंटा वेट करना है। और यहाँ पर धूप में बैठे बैठे मुझे नींद लग रहा है। यहाँ पर सारी मम्मियाँ आई हैं सबकी, सब लोग बैठा हुआ है, कोई मूढ़ी लेकर आया चना चोर मूढ़ी से, कोई खा रहा है बैठा हुआ है, एक मैं ही अकेली हूँ यहाँ पर। पहली 4 बज गया और मैं जा रही हूँ पिंकी को लाने, उतारते हैं। ऐसा गया एग्जाम्पल, ये बताओ अच्छा, बाद बाकी सारा अच्छा गया, सब लिखी हो, चलो चलो। तो हम लोग स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म स्टेशन तो आ ही चुके थे, प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके हैं। मेरे को दिखाओ, तुम लोग बहुत तकलीफ हो रहा है, इतना लंबा सीढ़ी में चढ़ चढ़ के आ रही हूँ, तब से पैर में दर्द हो गया। और दो सीढ़ी चल रही है, आराम कर रही है, और नहीं तो तुमको एक अच्छा चीज खिलाएंगे आज। चलो जल्दी चलो, खिलाने के बहाना मेरे को सीढ़ी चढ़ा रही है, कोई ना ऐसे सीखना पड़ेगा मेरे को, चलो। और यहाँ पे ये कितना अच्छा लगता है ना, जब हमारे देश का झंडा इस तरीके से पूरा लहराता है, बहुत मस्त लग मैं हाँ। सो दीदी इज हैविंग क्या बोलते हैं, घुगनी, घुगनी बोलते हैं, दिखाओ
वी आर हैविंग लिट्टी चोखा और दीदी हमेशा ना मैं यहाँ पे आती हूँ, ये मुझे माँ सिखाई खाना, माँ एक बार खिला देती ना उसके पास दीदी भी आती है, दीदी हमेशा हमेशा बोलती है माँ का लिट्टी चोखा खाओगी बहुत अच्छा लगता है, तो आज हम दीदी को याद दिलाए, मैं दीदी बोली तुम अच्छा खिलाएंगे, सच में यम्मी है, पेट भरने वाला है, सबको खाना चाहिए लिट्टी चोखा एक बार। लोग घर आ चुके हैं और घर आने के बाद इस लड़की को कुछ भी करना बेकार है, अब दिखने रही है, आ ऊपर आओ, इसको इतना खिला पिला कर लेकर आए हैं हम, घुगनी खाई है और क्या क्या खाई, आमला खाई है और आमला माखा जो होता है ना, और लिट्टी खाई है, और वहां पे जब एग्जाम में जाने के पहले क्या खिलाए थे, निमकी चाट, इतना कुछ खाने के बाद बोल रही है कि दीदी हमको कुछ नहीं खिलाई है मम्मी। अरे मैं मजाक कर रही थी मम्मी को ऐसे ना, मतलब ऐसे टांग खींच रही, मैं मजाक कर रही थी, और ये लड़की क्या इतना थी? खाई कि भूख नहीं लगा है, पेट पूरा फुल है। मजाक कर रही थी। बहुत थक गए। और आज मेरी एक स्टूडेंट का बर्थडे था तो वो सुबह आई थी, और मुझे एक स्टूडेंट के प्रियांशी का बर्थडे था तो मुझे पेस्ट्री देकर गई है खाना, मैंने इतना हड़बड़ी में मैं आज पढ़ाई हूँ ना कि मैं खोल कर भी नहीं देखी हूँ कैसा पेस्ट्री है, कैसा पेस्ट्री मैंने खोला भी नहीं है। तो पापा यहाँ पर आए हैं और पापा पूछ रहे हैं कि उनकी बेटी को हम कैसे लेकर आए हैं, तो बहुत भीड़ था और आपकी बेटी मुड़ा, मतलब मेरा पूरा हाथ ना, एक तो मेरा इतना पतला सा हाथ है उसको ऐसे दबा दबा के चल रही है, पूरा ये हाथ मेरा दर्द दे रहा है, तो उसको बहुत सेफली लेकर आए हैं, और बहुत भीड़ था, बहुत भीड़ था, बट फिर भी आ गई है, बस एक बार ना डिसबैलेंस हुई जब यहाँ से जब उतरी ना आपका, जब स्टेशन पे वहां पे जब उतरी, उतरने वक्त थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया पैर ना, मतलब मुड़ गया उसका, उस टाइम पे हुआ, उसके बाद यहाँ पे उतरने टाइम फिर जाने टाइम उसके बाद सब ठीक हुआ, एक वो कितना खुश थी कि आज दीदी हम मतलब इतना टाइम बाद, हाँ ट्रेन पे भी चल ली, बाहर तो आस्ते आस्ते जाने लगी है, ट्रेन पे भी चल ली, इस चीज को उसको बहुत खुश थे, अब हम जा सकते हैं कहीं भी, उन्हें अच्छा ठीक है, और अभी वो अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान भी बना रही है कि अब हम लोग एक दो बार फिर चले जाएंगे ना दीदी के साथ, फिर हम लोग चलेंगे बाहर घूमने, हम बोले ठीक है। तो बस आज का यही सब है, पापा आ गए, पापा आते सबसे पहले पापा यही पूछे क्या हुआ कैसा लेके गई, उन्होंने कहा ऐसा ही हुआ, ठीक है बॉय बॉय। तो गुंजन यहाँ पर अपना बहुत सारे क्यूरियोसिटी के साथ आई है, और आते आते पहले दौड़कर मेरे रूम में आई पूछने के लिए कि दीदी क्या हुआ, हम पहले दीदी से बोले दीदी तुम ठीक हो, कि उनकी पिंक दीदी को ले चले, मतलब थोड़ा सा वो टफ काम है ना वो मेरा हाथ, मैं पापा को भी ये बात बता रही थी, मेरा हाथ ऐसे मतलब इतना पतला तो मेरा हाथ ही है गुंजन गुंजन के बराबर ही, ऐसे ऐसे दबा दबा कर चढ़ी है ना पूरा, मतलब ऐसे पकड़ के, क्योंकि कुछ करने का नहीं है ना, वो वैसे पकड़ के प्रेशर देके उठ पा रही थी, उन्हें नहीं उठ पा रही थी क्योंकि ट्रेन प्लस उसका प्लेटफॉर्म बहुत ऊंचा रहता है तो उठने में बहुत दिक्कत होता है, नॉर्मल हम लोग को ही होता है पैर डालने में रखने में, तो फिर उसका तो थोड़ा दिक्कत है ही। तो बस मेरे ब्लॉग में देखना है कि क्या हुआ है क्या नहीं, इसके लिए तुमको कल तक का वेट करना पड़ेगा, मैंने पापा को भी बता दिया ऐसे सब नॉर्मली हो गया कोई बात नहीं, मतलब चलते चलते उसको आदत हो जाएगा करते करते, तो बस यही बात है। मैं गुंजन का वेट कर रही थी, गुंजन ट्यूशन पढ़ के आएगी, और कल मैंने जो तुमको डांटा है, सब लोग बोल रहे थे गुंजन को मत डांटा करो आप, तो गुंजन गुंजन तो डांट खाने वाला काम करती है, अच्छा तुम सच बताओ करती हो कि नहीं, ज्यादा नहीं करती थोड़ा, हाँ मतलब वो मानती है कि वो करती है, यही सबसे अच्छा चीज है, गलती करो तो मानो भी कि हाँ हम करते हैं, ज्यादा नहीं थोड़ा 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 करते हैं। ये क्या हो गया तुमको, पिंकज जी की बहन है ना उसको ये मतलब कट गया ठंडा के वजह से, हल्का सा नहीं होता पटने से, ये ठीक हो जाएगा शादी तक इसको हम ठीक कर लेंगे। तो बस आज के वीडियो को हम लोग यहीं पेंट करते हैं, और मैं जाती हूँ अभी खाना खाने, खाना खाकर मैं जाऊंगी सोने, क्योंकि आंख नहीं खुल रहा है, मतलब नींद लग रहा है आंखों में, आंख पूरा जल रहा है, और धूप में बैठे बैठे मुझे ना, मैं दो घंटा प्रॉपर बैठी हुई थी, मैं दो घंटा अकेले बैठी हुई थी, दो से चार पूरा अकेले बैठी हुई थी, उसके पहले तो पिंकी थी तो उसको ठेलना पड़ रहा था, पढ़ो ना एग्जाम है पढ़ो ना, तो वो तो वैसे चला गया, पर दो घंटा जो अकेले बैठकर जो झूल रहे थे ना नींद में, हम हमी को पता है, और डर भी था कहीं कुछ चोरी ना हो जाए, और पास में ना आंटी लोग बैठ के इतना गप किए थे, इतना बात करे थे, उनके पास पता नहीं कहाँ से इतना बात आ जाता है। जब आगे बार पिंकी दीदी गई थी ना, उस टाइम वो पिंकी दीदी को कार से ले गया गया था, मतलब कार रिजर्व करके,
तो हम क्या किए थे कि जो आप जो पेड़ नहीं है, हाँ, हम भी वहीं पे बैठे थे। गोल वहाँ पे पूरा आंटी लोग बैठी हुई है, मतलब पूरा एकदम गोल करके बकड़ बकड़ एकदम चालू पैकेट में मुढ़ी चनाचूर ये लेकर, तो मतलब हर दो दो ग्रुप में तुमको दिखना मिलेगा हर एक ग्रुप में कि एक बड़ा सा पेपर पे वो लोग बैठा हुआ है और पेपर के ऊपर वो एक पैकेट बड़ा सा मुढ़ी का ही पैकेट है, उसको पूरा खोल दिया गया, उसमें मुढ़ी और चनाचूर मिलाकर वो लोग खा रहे चॉप काट रहे। तो ये उन लोग का वैसा चल रहा था। हमको उस टाइम तो मैं कार में थी, तो मैं आराम से कार में सो के पापा के फोन से। इतना धूप लग रहा था ना आज, आज पता नहीं कहाँ से इतना गर्मी और धूप अजीब सा आ गया था उस टाइम पर। तो बस आज का दिन हमारा ऐसा ही गया, मेरा मतलब मेरा ऐसा ही गया। और पिंकी का एग्जाम अच्छा गया, बोल तो रही है अच्छा गया, भगवान करे अच्छे से गया ना। हम मेरा ना टीवी देखने लायक थे, ना फोन देखने लायक थे, कुछ के लायक थे ही नहीं, हम सिर्फ बुक देखने लायक ही थे। पूरा मेरा दिन आज बोर में गया। 4 बजे के बाद, मतलब 5 बजे मुझे मेरा थोड़ा माइंड फ्रेश हुआ ट्यूशन जाकर। तो बस आज के वीडियो को यहीं पेंट करते क्योंकि जल्दी से जाती हूँ मैं, खाना खाती हूँ, सोने जाती हूँ, सुबह फिर से उठ के पढ़ाना है। तो बस चलते हैं, दिन को यहीं पेंट करते हैं, ब्लॉग को यहीं पे। कहाँ? कल सुबह मुझे जाना है। हाँ, कहाँ जाना है आप लोगों को वेट, आराम से पता चलेगा। कल मेरा वो कहते हैं ना गुंजन रॉक करती है यार, क्या बोलते हैं यार ब्लॉग में, गुंजन रॉक एवरीबॉडी सॉफ्ट। बट कल जो ब्लॉग है, नेक्स्ट ब्लॉग जो आएगा उसमें सिर्फ सिर्फ गुंजन ही दिखेगी, बस इतना था कि सिर्फ गुंजन ही दिखेगी और कुछ नहीं। हम आपको पता चल जाएगा आराम से, धैर्य रखे। सो ब्लॉग को हम लोग यही पेंट करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल कर देना। आज पिंकी पहली बार गई है चलने, तो हमको तो ये ब्लॉग बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो जो भी है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सब कर देना, सब कर देना। सो बाय 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 बाय।